आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। लखीमपुर खीरी में बीती 11 जुलाई को जिला मुख्यालय स्थित विलोबी मेमोरियल हॉल में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एब्जा और इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार सुरेश शुक्ला ने किया है। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर महिला सशक्तिकरण के तहत इस संगठन से जुड़ी महिला पत्रकार को संगठन की प्रदेश मीडिया प्रभारी मोनिका पीड़ित ने पहला माला पहनाकर के सम्मानित किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एपचा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा को आए हुए जनपद के समस्त पत्रकारों ने पुष्पगुच्छों को 51 किलो की माला पहना करके भारी बारिश से सम्मानित किया। संगठन के जिला उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला, जिला मुख्य महासचिव अखिलेश मिश्रा ने चेयरमैन एपचा रविंद्र मिश्रा व उपस्थित चेयरमैन नगर पालिका परिषद गोरा विजय शुक्ला रिंकू को गणेश जी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीडिया प्रभारी मोनिका पंडित ने कहा कि ईमानदारी से पत्रकारिता करते हुए अगर हमारा कोई भी पत्रकार ईमानदारी से खबर लिखता है तो उसको कर्मचारी या अन्य लोग फंसाने का षड्यंत्र रचने लगते हैं। इसलिए आप सभी पत्रकार साथियों को एकजुट रहना चाहिए। एब्जा चीफ को कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी ने अपने संबोधन में कहा, बिजली हो या ना हो किंतु एब्जा से जुड़ा पत्रकार साथी बिजली का नंगा तार है, जिसे सताने और डराने के पहले कोई भी अधिकारी और नेता 100 बार सोचकर और समझ ले। चेयरमैन रविंद्र मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि कभी भी कोई खबर लिखे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उन्होंने जानकारी देते हुए लोकतंत्र के चार स्तंभों का उदाहरण देकर जानकारी देते हुए कहा कि तीन स्तंभ बराबर हैं तो फिर पश्चाताप क्यों, हमारे पत्रकार को भी उस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मान्यता देकर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो कहा, अच्छा माता जी, हम आपके
के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।